हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिंदु चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और अगर आप एचएससी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और कल जो एचएससी का एक नोटिफिकेशन आया है, पब्लिक नोटिस, उसको लेकर सभी के दिमाग में कन्फ्यूज़न है, क्या यह सही है या फेक है। तो बात करें, ये सही है, नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वेबसाइट पर उपलब्ध है। और दूसरी बात, इससे बच्चों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और अगर आपके मन में भी डाउट हैं तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करें ये किस बारे में नोटिफिकेशन है, ये है री ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव, ये जो वैकेंसी थी जिनका पेपर होने की हम उम्मीद किए बैठे थे, उनके लिए बोर्ड ने 8 मार्च से लिंक ओपन कर दिया है, री ओपन। और 22 मार्च तक आप, अगर जिसने नहीं अप्लाई किया है, वो कर सकते हैं। इसके साथ ही एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसमें दिया गया है कि रिटर्न एग्ज़ाम, कॉमन रिटर्न एग्ज़ाम होगा ऑफ ऑल अबो 3 पोस्ट। जो 3 पोस्ट हैं अलग अलग, पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव, इनके लिए कॉमन रिटर्न टेस्ट होगा। और अब हमें मन में ये रहता है कि क्या यह सही है कॉमन टेस्ट लेना। तो उससे रिलेटेड पहले हम कड़वी बातें देख लेते हैं, उसके बाद मीठा खाने में मज़ा आता है। तो सबसे पहला है, फॉर्म रीओपन से कैंडिडेट की संख्या बढ़ेगी। तो ये तो नुकसान है, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उसमें और भी ऐड हो जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, और कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होने से नुकसान होगा। अगर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग हुआ तो उससे फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, आसान वाले हैं वो बाजी मार जाएंगे और सिलेबस कन्फ्यूज़न हो गया है कि कौन सा सिलेबस हमें करना है। नेक्स्ट है, अच्छा क्यों है। सबसे पहले तो अब जो बार बार भर्तियां कैंसिल हो रही थी मेनली एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो ये कैंसिल नहीं हुई है। ये खुशी की बात है कि कम से कम ये तो उम्मीद हुई कि पेपर तो होगा, कैंसिल नहीं हुई है भर्ती। सेकंड है कि पेपर एक बार में ही देना होगा, हमें 3 पेपर नहीं देने, 3 पोस्ट के लिए एक बार ही एक पेपर देना पड़ेगा। और उससे जो आने जाने का खर्चा है, जो मेंटली प्रेशर है तैयारी का, वो सब हम उससे बच जाएंगे। तीसरी बात है, रीओपन से सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करने का चांस मिलेगा। अब जिसने एक के लिए, ग्राम सचिव के लिए अप्लाई कर रखा था और पटवारी, कैनाल पटवारी के लिए नहीं किया था, तो उनको भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड है, ये नहीं चाहता कि कोई भी पुनः से ये केस बने कि भाई हमें चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला। तो सभी इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए, कोर्ट केसेस से बचने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, जो CET हरियाणा में आगामी सभी भर्तियों के लिए जो टेस्ट होगा, उसकी एक रिहर्सल भी हो जाएगी। बच्चों को भी पता चल जाएगा कि कैसे टेस्ट में सिलेबस रहेगा, या फिर कैसे क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से उनका सिलेक्शन होगा। और सरकार को भी पता चल जाएगा कि ये टेस्ट किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये अच्छा भी है कि सभी के लिए। एक और फायदे की बात है, जो कॉमन मेरिट है, तीनों के लिए कॉमन मेरिट बनेगी, तो उससे सिलेक्शन में ज़्यादा कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा। कैसे होगा ये, अब आपने पिछले साल देखी थी, उससे पिछले साल डी ग्रुप की भर्तियां हुई थी और भी कई भर्तियां हुई थी, तो एक ही जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट है जिसने मेरिट ले ली, वो एक पोस्ट के लिए करता है, फिर दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, इस तरह से कई उसमें मेरिट में आ जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग तो एक में ही करता है, बाकी खाली, फिर सरकार को दोबारा से ऐड देनी पड़ती हैं, फिर करना पड़ता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि मेरिट बनेगी और बच्चे से ऑप्शन लिए जाएंगे कि भाई कौन सा आप लेना चाहते हैं तीनों में से। तो एक को अगर एक में मिल गया ज्वाइनिंग, तो 2 सीट हैं वो दूसरे 2 कैंडिडेट को मिल जाएंगी। इस तरह से कैंडिडेट के लिए फ़ायदा है कि बार बार जो खाली पोस्ट रह जाती हैं उनमें
अलग कैंडिडेट को भी मौका मिल जाएगा आसानी से, गवर्नमेंट के उसमें एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि बच्चा कहाँ पर पोस्टिंग ले रहा है, कौन सी पोस्ट के लिए वो लिख रहा है, रिटर्न में दे रहा है। ठीक है, तो मुझे तो ये सबसे बड़ी फ़ायदे की बात लगी है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल राय है। मैंने कल ये जैसे ही देखा नोटिफिकेशन तो सोचा कि इस बारे में क्यों कर रही है सरकार ऐसा। तो इससे सरकार बचना चाहती है, कोई कोर्ट केस ना हो, बर्ती फेयर तरीके से हो और आसानी से हो, इसलिए ये सब किया जा रहा है। अगर आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं, असहमत हैं तो भी अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि पेपर तो होगा, ये कंफर्म हो गया है। साथ में सीईटी का जो लास्ट डेट है 31 मार्च, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसकी भी तैयारी होती रहेगी। पेपर कभी ले लें, आप अपनी तैयारी जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।